जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत है। और कितना भी कोशिश कर लें, टाइम पे नहीं आ पाते हैं। और आज लेट की हद हो गई, लगभग 1 घंटे लेट हूँ मैं। तो पहले तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी। क्या करें, हम एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ कई बार इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, कई तरीके के धोखा मिल जाता है। तो अभी आज मुझे इंटरनेट की समस्या थी, लेकिन यकीन मानिए कि आज के सेशन से आपको फ़ायदा होगा। हमने नोटिफाई कर दिया था कि सेशन थोड़ा सा लेट से चलेगा। उस लेट में हम लगभग 12-13 मिनट लेट हैं, 15 मिनट लगभग लेट हैं, 10:40 पर हमने अपडेट दिया था। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सबको, नमस्ते, जय हिंद। और आज हमने बोला था कि स्पोर्ट्स का एक सिर्फ सेशन लेकर के आएंगे, और आज वाले सेशन में हम कुछ स्पोर्ट्स का जो MCQ है उसके अलावा कुछ उससे रिलेटेड थियरी भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे लास्ट में, 10 से 12 मिनट, वन लाइनर्स मतलब। तो एक बार मुझे कमेंट करके यहाँ तक आप बता सकते हैं कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या आप सबकी तैयारी ठीक चल रही है। एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट बेटल की वीडियो बना दीजिए। यस, जल्दी बनाएंगे हम इम्पोर्टेंट बेटल्स की भी। कई सारी वीडियो अभी बनने वाली हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि गुरुकुल हर बार की तरीके से इस बार भी टॉपर देने में सक्सेस रहा है। कल सरप्राइज होगा आपके लिए, कितने मार्क्स हैं, कैसे मार्क्स हैं, कल हम सेशन लेके आएंगे, मज़ा आएगा आपको। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक। आप जानते हैं कि 2020 में ओलंपिक होने वाला था। आपका स्टेट वाइज वीडियो है क्या? स्टेट वाइज वीडियो ही बनाना है कल। एक बार सेशन के बाद यदि टाइम मिल गया तो स्टेट वाइज वीडियो भी बनेगा। तो भारत की तरफ से पहला स्विमर जिसने इंडियन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बताइए कौन है वो व्यक्ति? क्या आप सबके जवाब सही आ रहे हैं क्या? तो आप सबके जवाब सही हैं कि हाँ, साजन प्रकाश पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने स्विमर के रूप में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। चल, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री फॉर ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड्स बाय द सर्गी कारजाकिन। सर्गेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाले व्यक्ति कौन है? आप जानते हैं ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर अलग होता है, ग्रैंड मास्टर अलग होता है। चेस के दुनिया में सर्वोच्च अवार्ड या सर्वोच्च डेजिग्नेशन माना जाता है। अब तक जो सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर दिए हैं वो दिए हैं रसिया ने 255, जबकि भारत ने 67 ग्रैंड मास्टर दिए हैं, जिसमें से दो महिलाएं हैं, कुछ 124 इंटरनेशनल मास्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे लिए है कि विश्व में सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर देने का खिताब किसके पास है? रसिया के पास। और इंडिया ने 67 ग्रैंड मास्टर दिए हैं। तो अभी सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड किसके पास आ गया है, बताइए किसके पास आ गया है? क्या जवाब है आप सबका? दैट इज अभिमन्यु मिश्रा। यदि अभिमन्यु मिश्रा आपका जवाब है तो आप सही हैं। गुड, आप सबके जवाब सही है। चले, हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय द BCCI फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021। आप जानते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड हो गया है। 25 लाख अवार्ड मनी दी जा रही है अब, है ना? चार तक दे सकते हैं, लास्ट ईयर 5 लोगों को दिया गया, 1991 से दिया गया, विश्वनाथन आनंद को पहली बार दिया गया। तो अभी किसको रिकमेंड किया BCCI ने कि हाँ इनको देना चाहिए? तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, किसको रिकमेंड किया है, जब मिल जाएगा तो पूछा जाएगा किसको मिला है। तो हमारे लिए चले, सर आप तो सब कुछ पढ़ा देते हैं तो पेड़ में क्या पढ़ाते हैं? हम पेड़ में पढ़ाते ही नहीं भाई, पेट पेट में बच्चे
नहीं आना चाहते हैं, पेड़ में ही यहीं पे आना चाहते हैं। तो बीसीसीआई ने किसको किसको रिकमेंड किया है? तो क्रिकेटर में आर अश्विन को और वुमेन्स क्रिकेटर में मिताली राज को रिकमेंड किया है। तो पुरुष में आर अश्विन और महिला में मिताली राज, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। हो सकता है इनको मिल जाए तो अच्छी बात है। आर अश्विन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, स्टेट वाइज करा दे रहे हैं इसे वीकेंड, कल करा देंगे स्टेट वाइज, टेंशन मत लो। द हॉकी इंडिया नॉमिनेटेड विच प्लेयर फॉर द खेल रत्न, हॉकी खेल इंडिया को ने किसको खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया? हॉकी वाले भी बता रहे हैं कि हमारी तरफ से इनको रिकमेंड कर रहे हैं हम। बताइए किसको किसको? सृजेश और दीपिका। तो दीपिका ठाकुर और गोलकीपर पीआर ब्रिजेश, इन दो लोगों को रिकमेंड किया है। चले अब किसको मिलेगा ये 29 अगस्त को पता चलेगा। तो हमने बोला कि हाईएस्ट खेल रत्न है 2020 में लास्ट दिया गया, 1991-92 में विश्वनाथन आनंद से इसको शुरू किया गया था। और इस साल हमने किसको दिया था? रोहित शर्मा, मरियप्पा तुरुनकुरू, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस फील्ड से हैं। तो इस साल जिसको मिलेगा देख लेंगे, आपके एग्जाम के बाद ही होगा तो आपके लिए जरूरत नहीं है। हु हैज बीन वोन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी इन द आर्चरी वर्ल्ड कप, तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के व्यक्तिगत मिश्रित तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की मिश्रित तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए। आप जानते हैं कि महिला में दीपिका कुमारी ने जीता है, पुरुषों में किसने जीता है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल में लगातार 2 वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। क्या नाम दे रहे हैं साथियों? जल्दी जल्दी बताइए। यदि आपका नाम अभिषेक वर्मा है तो आप सही हैं। गुड। हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट, बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा ये मान के चलिएगा जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आप एक भी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते रद्दी क्वेश्चन है। 99.99% क्वेश्चन वही होंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको सीखेंगे, रटेंगे, देखेंगे। साथियों ये एक महिला हैं, लड़की हैं, बालिका हैं, और इन्होंने ओडीआई में भी सबसे कम उम्र में, T20 में भी सबसे कम उम्र में, टेस्ट में भी सबसे कम उम्र में, तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। ओडीआई में इंग्लैंड के खिलाफ, T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और टेस्ट में भी इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है इनका साथियों? शेफाली वर्मा। तो हमने कहा ओडीआई, टेस्ट, ये इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, और T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्टिसिपेट कर लिया। 15 साल की हैं। चल विच टीम वोन द इनोग्रल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हेल्ड ऑन जून 2021? आप जान रहे हैं कि इसमें कुल 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और कुल 61 मैच खेले गए पिछले 2 सालों में। फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच था और न्यूजीलैंड ने इंडिया को डिफीट कर दिया। ये क्वेश्चन दोबारा आएगा, मैं चाहूंगा कि वहां पर आप सब इसका जवाब दें। मोस्ट रन सबसे ज्यादा जो बनाया था मेनेस लवकर ने बनाया था, और सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के ही आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन के पास है। तो ये आपको मैच देखते होंगे तो थोड़ा बहुत पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डिफेटेड टू इंडिया। टोक्यो ओलंपिक भारत की तरफ से जो थीम है, ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग टोक्यो ओलंपिक 2020, हु इज द कंपोज एंड सिंगर ऑफ द सॉन्ग, किसने इसे कंपोज किया है और गायक भी कौन है? बेहतरीन। लक्ष्य तेरा सामने है ना, SSC तेरा सामने है, किसने कंपोज किया ओलंपिक के सेंस में? क्या नाम है साथियों? जल्दी बताइए। जावेद अली, मोहित चौहान, AR रहमान, सोनू निगम। ये तो कर ही लोगे। मोहित चौहान, मोहित चौहान। चल इसमें किरण रिजिजू के नेतृत्व में इसको पास किया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
नारायण रामचंद्रन हैं। कल ही बताया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी और इसे इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक ने 1927 में ऑथराइज्ड किया था। नहीं, नई दिल्ली में स्थित है। 206 देशों के ओलंपिक कमेटी को ऑथराइज किया गया है। पहला चाइनीज जिसने विंबलडन के लिए क्वालिफाई कर लिया, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारत 1939 से ही क्वालिफाई कर रहा है। अब पहले बार एक चीनी व्यक्ति ने इसको क्वालिफाई किया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमने कहा था कि जब चाइना में व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसका नाम कैसे रखते हैं? बर्तन गिरा के ढोंग डांग चुंग चांग इस तरीके से। तो ये क्या है? झांग झिगांग। चल, विच इंडियन शॉट पुट प्लेयर क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2020? कौन सा भारतीय शॉट पुट खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास ऑप्शन है ओम प्रकाश कराना, तजिंदर पाल सिंह, इंद्रजीत सिंह, मनप्रीत कौर। बताइए क्या नाम है इनका, जल्दी। तो क्या नाम है साथियों? तजिंदर पाल सिंह। तजिंदर पाल सिंह हु हैज बिकम द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के लिए जो इंडियन हॉकी टीम बन रही है उसका कैप्टन कौन है? बताइए। डोरिस खाम्बाता, मनप्रीत सिंह, एन वेंकट रमन, हरप्रीत सिंह। जल्दी बताइए क्या नाम है इनका। सर ये ओलंपिक का फैक्ट्री देते तो बढ़िया होता है। दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ओलंपिक पे हमें वैसे भी काम करना है। क्या नाम है साथियों? तो मनप्रीत सिंह है ना। क्या करते हैं? मिडफील्डर हैं ये। चल, विच प्लेयर हैज वोन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ओलंपिक? किस खिलाड़ी ने 2021 के फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? बताइए, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। हम आपको क्लू देते हैं, नीदरलैंड के हैं, रेडबुल टीम के हैं। बताइए, अब तो बता देना चाहिए ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, जल्दी। नहीं, मैक्स वेस्टरपन ने जीत लिया। चल, विच इंडियन वुमेन रेसलर हैज वोन द गोल्ड मेडल इन द 53 कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन? पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में किस महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, दिव्या कारकरम। बताइए किसने जीता है? तो ये सारा रिकॉर्ड आजकल कौन जीत रहा है साथियों? विनेश फोगाट। सब्बा शिकार हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ विच कंट्री? यस, सब्बा शाकर किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी महिला किसी पद पर, इस तरीके के पद पर आएगी तो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। इजिप्ट, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो ये अपने आप में देश वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या नाम है साथियों? इजिप्ट, मिस्र। मिस्र की पहली महिला कोच बन गई है। विच इंडियन प्लेयर हैज बीन इंडक्टेड इन द स्पेशल एडिशन ऑफ द आईसीसी हॉल ऑफ फेम लिस्ट जून 2021 है ना। किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है ना। हम आपको क्लू देते हैं, ये पूरे विश्व इतिहास में एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने सारे नंबर पर बैटिंग की है, मतलब पहले नंबर पे भी उतरे हैं, दूसरे नंबर पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, हर पर उतरे हैं। टेस्ट क्रिकेट खेले इन्होंने 44 है ना। बॉलिंग भी करते थे, सलामी बल्लेबाज थे। क्या नाम है इनका, जल्दी बताइए। तो इनका नाम है बिन्नू माकन है ना। आप जानते हैं साथियों कि अब तक हॉल ऑफ फेम में कुल 103 प्लेयर को शामिल किया जा चुका है, 103 प्लेयर को शामिल किया जा चुका है, जिसमें से 7 इंडियन प्लेयर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पहली बार जो इस इंडियन प्लेयर को शामिल किया गया उसका नाम था बिशन सिंह बेदी। बिशन सिंह
बेदी को शामिल किया गया, बिशन सिंह बेदी। इनको कब शामिल किया गया साथियों? 2009 में पहली बार। उसके बाद मित्रों 2009 में ही कपिल देव को, 2009 में ही सुनील गावस्कर को, तीन लोगों को एक साथ लेकर के आए। फिर बाद में 2015 में अनिल कुंबले को लेकर के आए। फिर मित्रों राहुल द्रविड़ को 2018 में लेकर आए। 2019 में सचिन तेंदुलकर जी को लेकर के आए, और अब लेकर आए विनंत माकंड को। तो ये अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हॉल ऑफ फेम में कितने प्लेयर को, तो हमने कहा 7 प्लेयर को लाया गया है, जिसमें से बिशन सिंह बेदी पहले थे, उन्हीं के साथ थे कपिल देव को भी, सुनील गावस्कर को, तीन तो ये हो गए, कपिल देव को भी आप जानते हैं, अनिल कुंबले को भी जानते हैं, राहुल द्रविड़ को भी जान रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को और विनू माकंड को जान रहे हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चल हॉल ऑफ फेम में कुल कितने खिलाड़ियों को अब तक शामिल किया गया है टोटल? तो हमने बता ही दिया हॉल ऑफ फेम में अब तक टोटल 103 को शामिल किया गया है। बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई इंडियन प्लेयर इस तरीके की ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। हम आपको क्लू देते हैं, चेन्नई किंग सुपर स्टार के बैट्समैन हैं ये, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, तो ये आपको बताना चाहिए चेन्नई का इसमें कौन सा दिख रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा साथियों? सुरेश रैना। तो जब भी इस तरीके का बनेगा तो हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन है, मान के चलिए ये वाला। यस, अगला है मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 2021 गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल किसने जीता है, है ना? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये एक भारतीय है, इन्होंने $15,000 जीत लिया है, बताइए क्या नाम है इनका? सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का खिताब भी इनके पास, बताइए साथियों जल्दी। नहीं, डी गुकेश। आप कोई भी क्वेश्चन को नकार नहीं सकते कि सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, बल्कि आप स्पोर्ट्स वाला ही क्वेश्चन देखेंगे, स्पोर्ट्स और अवार्ड वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर पेपर में 2-3 स्पोर्ट्स से, 2-3 अवार्ड से, मतलब 10 करंट है तो 3-4 मान लीजिए यहीं से। विच फीमेल प्लेयर फ्रॉम चेक रिपब्लिक हैज वोन द वुमेन सिंगल एंड डबल टाइटल इन फ्रेंच ओपन टेनिस? चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल और डबल खिताब दोनों जीत लिया है? डबल खिताब इन्होंने कैटरीना सिनिकोवा के साथ जीता है, बताइए। चेक गणराज्य की हैं ये, क्या नाम है इस महिला का? क्या आप सबके जवाब सही हैं क्या साथियों? यदि आप सबके जवाब सही हैं तो बताइए जल्दी से क्या नाम है। बारबोरा केजक्यूवा है तो आपका सही है, इसके अलावा कुछ भी है तो आप गलत हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टेक वोंडो एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन से बन गए हैं, बताइए? टोक्यो पैरा ओलंपिक है ना, आप जानते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक भी वहीं पे होने जा रहा है, तो पहले ताइक्वांडो एथलीट भारत की तरफ से कौन बन गए हैं? आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 24 अगस्त को पैरालंपिक शुरू हो रहा है जापान में ही, तो कौन पहले व्यक्ति बन गए इस तरीके से, बताइए जल्दी बताइए क्या नाम है? अरुणा तमर, तरुण ढिल्लो, प्रमोद भटनागर, भगत कृष्णा नागर, जल्दी। फर्स्ट इंडियन ताइक्वांड एथलीट साथियों अरुण तनवर, यदि आपके जवाब हैं तो आप सही हैं। चल अरुणा तनवर, द मेडल विनिंग इंडियन प्लेयर डिंको सिंह हु हैज पास्ड अवे एशियन गेम गोल्ड वाज एसोसिएटेड विथ विच गेम? यस, ये बताइए कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी डिंको सिंह किस खेल से जुड़े हुए थे, बताइए? इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जब भी कोई इस तरीके का प्लेयर की डेथ हो जाती है तो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस खेल से या किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ही वाज रिलेटेड विथ बॉक्सिंग, डिंको सिंह।
the IOC has approved how many refugee athletes in Tokyo 2020? International Olympic Committee ne Tokyo 2020 mein kitne sharanarthi athleto ko manjuri di hai? Bataiye. कितने रिफ्यूजीज एथलीट को जो किसी संदेश से नहीं है कि रिफ्यूजीज की कैटेगरी में आप जानते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक टोक्यो में होने जा रहा है इसमें कुल कितने स्पोर्ट्स हैं 33 स्पोर्ट्स हैं 33 स्पोर्ट्स को हम लोगों ने शामिल किया है मोटो क्या है इसका मोटो आपको जानना चाहिए यूनाइटेड बाई इमोशन एग्जाम में आता रहता है जब भी इस तरीके का चेंज होता है यूनाइटेड बाय इमोशंस ये आपको जानना चाहिए कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं लगभग 206 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इतने को ही परमिशन मिला हुआ है या इंटरनेशनल ओलंपिक ने अप्रूव किया हुआ है तो ये हमको जानना चाहिए तो कौन से किसको बताइए कितने लोगों को हमने परमिशन दिया है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 29 जिनका किसी देश से कोई संबंध नहीं होगा 2032 ओलंपिक कहां पे होगा अब ये देखो ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहां पे होने जा रहा है तो 2020 वाला 21 में हो रहा है कहां पर जापान नहीं 2024 कहां पर पेरिस 2028 कहां पर मित्रों लॉस एंजलिस अमेरिका ये तो पहले से घोषित था अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि 2032 कहां होने जा रहा है बताइए 2032 जल्दी बताइए कोई जवाब बताएंगे साथियों नहीं तो ये मित्रों जल्दी बताएं नहीं बता रहे ब्रिस्बेन में होने जा रहा है ये तीनों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये तो है समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक 2022 में कहां पर चाइना में बीजिंग में 2026 में साथियों कहां पर साथियों मिलानो कार्टिना में चल कह रहे हैं स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए मेरे बच्चों हमने सब बता रखा है द Kri Kuru is a Indian's first L-enabled coaching website inaugurated by which Indian cricket player? Kri Kuru भारत की पहली AI सक्षम कोचिंग वेबसाइट है जिसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने के द्वारा लॉन्च किया गया है ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूट समझ लो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर क्रिकेटर्स को ये बच्चों को ट्रेन करने का प्रयास किया जा रहा है तो किसके द्वारा शुरू किया गया मित्रों ये शुरू किया गया है हमारे मास्टर ने मास्टर ब्लास्टर तो कोई और था वीरेंद्र सहवाग इनके लिए क्या टाइटल था कहां के नवाब कहते थे इनको दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर कौन बन गया है ना सेकेंड पोजीशन पर आपने पढ़ा था कि अर्जेंटीना के लियोनो मेंसी को पछाड़ दिए इन्होंने टॉप पे आप जानते हैं कृष्णा रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के हैं जिन्होंने 103 गोल किए हैं दूसरे नंबर पे ये हैं, तीसरे नंबर पे अली मकबात हैं, यूएई से 73 गोल किए हैं लियोनो मेंसी चौथे नंबर पे आ गए हैं 72 गोल किए हैं तो भारत की तरफ से हैं और इनका नाम क्या है मित्रों इनका नाम क्या है साथियों सुनील छेत्री तो पहले नंबर पे कौन है ये आपको जानना चाहिए क्योंकि दूसरे नंबर पे तो हमारा इंडियन हो गया सुनील छेत्री हो गया तो पहले नंबर पे हमने कहा आपसे क्रिस्टीना रोनाल्डो लेकिन इतना ज्यादा गैप है कि यहां तक पहुंचना किसी के लिए नामुमकिन नहीं है 103 गोल्स हैं और ये किस देश के हैं साथियों तो आप सभी जानते हैं पुर्तगाल से हैं चल सुनील छेत्री हु हैज वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 यस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया 2021 का जल्दी बताइए रेडबुल के हैं ये भी जल्दी किसने साथियों
Sergio Perez. Which player has won the inaugural edition of 2021 Belgrade Open Tennis Tournament? किस खिलाड़ी ने 2021 के बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण जीत लिया है? हम आपको क्लू देते हैं, ये सर्बिया से अब तो कर लो, इन्होंने एलेक्स मेलकन को हराया है, जो स्लोवाकिया से, बताइए तो किसने साथियों? सर्बिया से कौन? नोवाक जोकोविच. चल, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग? अब देखो ये आप लोग अपडेट हो गए नहीं हो गए, अभी 30 जून को चेंज हो गया है. आप जानते हैं कि मेल हॉकी में हम लोग कौन से नंबर पे चल रहे हैं, तो मेल हॉकी में अपन लोग चौथे नंबर पे चल रहे हैं, लेकिन फीमेल हॉकी में अपन लोग 9वें नंबर पे थे, अब 10वें नंबर पे आ गए. तो अब एक प्रश्न बनता है कि पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है? तो मेल में कौन सा है साथियों? मेल में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फीमेल में नीदरलैंड. आप में से अधिकांश लोग इसका जवाब शायद 9 पोजीशन देते, लेकिन अभी अपन लोग 9 से शिफ्ट होके 10th पे चले गए. आप जानते हैं कि मेल पे ऑस्ट्रेलिया के बाद बेल्जियम, बेल्जियम के बाद नीदरलैंड है ना. फीमेल में हम लोग चौथे नंबर पे, 10वें नंबर पे चल रहे हैं. तो ये थोड़ा सा आपको जान के रखना है, ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. देखते हैं आपका कमेंट में क्या है. यदि आप लोग कमेंट आप लोग का लेट से आ रहा है मेरे पास, कोई बात नहीं. व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल? चलो आ ही गया, अभी उन्होंने बता दिया था. तो आप लोग कौन से नंबर पे है? मेल हॉकी टीम में 4th पोजीशन पे है, चौथे नंबर पे चल रहे. अच्छा, कमेंट ही अपना पीछे चल रहा है, ओके कोई बात नहीं. हु won द सेकेंड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड इन द 75 kg फाइनल इन द दुबई? यस, दुबई में 75 किलोग्राम फाइनल में अपना दूसरा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता है? अब ये तो नहीं करो तो पिटा जाओ, है ना, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया इनके बारे में. क्या नाम है इनका, जल्दी बताइए. से इज पूजा रानी. विच प्लेयर, अब एक बार ये देखना होगा कि क्या कमेंट आ भी रहे हैं क्या. इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बहुत ही रह रही है. विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द कीवी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, बताइए. देवोन कनवे, केन विलियमसन, काइल जेमिल्सन, रोज टेलर, बताइए जल्दी से किस खिलाड़ी को, ये आपको बताना चाहिए किस खिलाड़ी को ये अवार्ड मिला है, जल्दी बताइए. चले, अच्छा लग रहा है कमेंट जा रहा है आपका, मोबाइल में चल रहा है, ये भी कुछ देर ही चलेगा. क्या नाम है इनका? तो यदि आपका केल जेमिल्सन है, काइल जेमिल्सन, तो आप सही हैं. किस देश के द्वारा दिया जाता है ये? न्यूजीलैंड के द्वारा दिया जाता है कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर. चल, द मेन्स T20 वर्ल्ड कप विल इंक्लूडेड हाउ मेनी टीम्स फॉर द 2024? पुरुष T20 वर्ल्ड कप में 2024 में कुल कितने टीमों को शामिल किया जाएगा, बताइए. जिसमें कुल 55 मैच होने वाले हैं, तो कुल कितने टीमें हैं ये आपको बताना है. हाउ मेनी टीम्स, बताएं जल्दी कितनी टीमें, 55 मैच तो 20 टीम्स. ये क्या है, अच्छा 20 टीम. चल, कब से शुरू हुआ था ये? 2007 से. लेटेस्ट अभी जो होना है 2016 में हुआ था, अगला जो होगा 2021, उसके बाद 2024 में. करंट चैंपियन अभी वेस्ट इंडीज चल रहा है,
सबसे अधिक भी वेस्ट इंडीज ने जीता है, सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड मैला जयवर्धने का है, और सबसे अधिक शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड है विकेट लेने का. हु हैज विड्रॉन द हर्सेल फ्रॉम द फ्रेंच ओपन? यस, किसने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? मीडिया में विवाद की वजह से अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया फ्रेंच ओपन से. क्या नाम है इनका, बताइए जल्दी से. ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर के प्लेयर हैं, नाओमी ओसाका. बताओ तो, जापान से हैं क्या? विच इंडियन बॉक्सर हैज वॉन द फिफ्थ सक्सेसिव मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में लगातार पांचवी बार पदक जीता है? बेहतरीन क्वेश्चन. लगातार पांचवी बार पदक जीतने का रिकॉर्ड इनके पास होगा. मनीष कौशिक, विकास यादव, शिवा थापा और नारायण मोरे. बताइए क्या नाम है इनका, क्या नाम है साथियों? शिवा थापा. हु इज द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया टू ऑफिशिएट टू रेसलिंग मैचेस ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम? टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाला भारत का एकमात्र रेफरी कौन सा है? किस एकमात्र भारतीय रेफरी को इंटरनेशनल टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है, यह आपको बताना होगा. क्या नाम है साथियों? अरविंद कुमार, अशोक कुमार, अमिताभ कुमार, आनंद कुमार. बताइए जल्दी से. क्या नाम है साथियों? अशोक कुमार. चले. हु हैज वॉन द फ्रेंच मोरो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? फ्रेंच मोरो ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? सारे ग्रैंड प्रिक्स भी आपको एक बार याद रखने पड़ जाएंगे. दुकाती के हैं, आप तो बता दो. तो दुकाती का इसमें कौन देख रहा है साथियों? जैक मिलर. चल. हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द जेनेवा ओपन टेनिस? जेनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देख रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल, जिसको हम और आप इग्नोर कर देते हैं कि यार इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे. तो जब जब इस तरीके के इग्नोर करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. कास्पर राउंड, सेपनोस टिस्पास, डेनिस सपलोव एंड कैमरन नोरी. बताइए क्या नाम है इनका? दैट इज द कास्पर रूट. फिल मिकलसन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट प्लेयर टू क्लिंच अ मेजर टाइटल. ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट इवेंट? किल मिकलसन ने एक प्रमुख खिताब हासिल कर लिया जो सबसे अधिक उम्रदार खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है? ये आपको बताना चाहिए. 50 साल के एज में उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया, अमेरिका के हैं. बताइए. तो इस तरीके का काम कौन किस फील्ड में चल सकता है? गोल्फ वोल्फ में चल सकता है. गोल्फर है, अमेरिकन गोल्फर. द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2022. विच कंट्री विल होस्ट द टूर्नामेंट? है ना, 2021-22. तो कौन सा देश इसको होस्ट करने वाला है, जल्दी बताइए. मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया. मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया. अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, जल्दी. इंडिया बोल रहे हैं तो ठीक है. हिमनता बिस्वा शर्मा हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ विच वर्ल्ड स्पोर्ट फेडरेशन? हेमंत बिस्वा शर्मा को किस विश्व खेल महासंघ की परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? फीफा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड एथलेटिक्स. बताइए किसे चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को किस विश्व महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? फीफा. अब इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. बताइए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. ये मतलब पक्का आउट क्वेश्चन मान के चलिए. विच टीम हैज वॉन द 2020-21 ला लीगा टाइटल? ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब किसने जीत लिया है? आप जानते हैं कि ये किस फील्ड से होता है, फुटबॉल से रिलेटेड होता है. तो ये किसने जीत लिया है, ये आपको बताना है. बताइए. एटलेटिको मैड्रिड ने जीत लिया.
स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये. विच टीम हैज वॉन द 2021 यूएई वुमेन चैंपियनशिप लीग. किस टीम ने 2020-21 के यूएफई महिला चैंपियनशिप लीग जीता है, ये आपको बताना है. चेल्सिया, बार्सिलोना, ला लीगा, एंटेलिको मैड्रिड, बताओ किसने जीता है जल्दी 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 जल्दी. चेल्सिया, बार्सिलोना, ला लीगा, एटलेटिको मैड्रिड, स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है ये भी. जल्दी 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 जल्दी. बार्सिलोना. हु वॉन बैक टू बैक मेन्स हाई जम्प टाइटल इन बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड द फील्ड चैंपियनशिप इन मैनहट्टन यूएसए. मैनहट्टन यूएसए में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एट फील्ड चैंपियनशिप 2000 में पुरुष की ऊंची कूद का खिताब किसने जीता है. तेजस्विनी शंकर, राकेश पवार, विजय गोयल, शंकर नारायणन, बताओ किसने जीत लिया. हु विन द अवार्ड, तो कौन साथियों, तेजस्विनी शंकर. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू बिकम एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप. एमएमए वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पहला भारतीय हो गया. मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप बोलते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप. वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय फाइटर का कौन बन गए, ये भी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाले में आप रख सकते हैं. करें थोड़ा आराम से पढ़ाइए, इसमें तो आराम से रहने दो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं. मतलब मैं अब चाहूं तो इसमें बहुत सारे इधर उधर 50 फैक्ट बता दूं, कोई जरूरत नहीं है. सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आने, अर्जुन सिंह भुल्लर किस फील्ड से हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, किसने जीता है ये वाला क्वेश्चन. तो ये जहां पर जरूरत होगा वहां हम खुद आपको टाइम देंगे. इन टेनिस, हु हैज वॉन द मेन्स सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2021. टेनिस में इटाली ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता. मैं चार टेनिस के अलावा बाकी कोई आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने कौन विनर है ये जान करके काम निकाला जा सकता है. बताइए, हम आपको क्लू देते हैं, स्पेन से हैं. अब देख लीजिए इसमें स्पेन से कौन है, तो हम जानते हैं स्पेन से कौन है यहाँ पर, राफेल नडाल. चल, कोरियन अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियनशिप अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अवार्ड किस फील्ड से है. खेल लीग के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड अवार्ड है. एनएचएल, एनबीए, यूएफसी, ला लीगा, बताओ. यदि ये बता पाते हैं तो आपको मतलब ये मान लीजिए कि यस है आप में दम. जल्दी, तो ये है साथियों एनबीए. व्हाट इज एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. सोशल जस्टिस कैंपेन अवार्ड के तहत इसको शुरू किया गया, एनबीए. गुड, सबका जवाब ठीक. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम. भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना होगा. विनोद कांबली, वसीम जाफर, मुनाफ पटेल, रमेश पवार, यकीन मानिए आप गलत करेंगे. बताइए, ये सही कर देते हैं तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपकी करंट की तैयारी अच्छी है. और हमने पहले ही कहा था कि हम एक भी फालतू क्वेश्चन इस तरीके का आपके सामने डिस्कस नहीं करेंगे जो जरूरत नहीं है. रमेश पवार. हु हैज इलेक्टेड एज द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई स्केलिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन द शॉर्टेस्ट स्पेन टाइम विद इन अ सीजन. एक सीजन में सबसे कम समय में दो बार माउंट एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है. हम आपको बता देते हैं, ये 45 वर्षीय हैं, इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी को प्राप्त कर लिया है. खुद का रिकॉर्ड, दो बार 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने चढ़ने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया. ये नेपाल की हैं, आप तो बता दोगे पता नहीं किस स्पीड से चढ़ रही थी. बताइए जल्दी से, यदि आपका जवाब मिगमा तेंजी शेरपा है तो आपका जवाब
सही है, इसके अलावा कुछ है तो आप गलत हैं। यस तेंजी शेरपा, गुड। विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर है क्लाइम 2021 मैड्रिड ओपन मेन्स सिंगल टेनिस टूर्नामेंट 2021 के मैड्रिड ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब का दावा किसका है, किसने जीता है, ये आपको बताना है। हम आपको क्लू देते हैं, जर्मन प्लेयर हैं ये, आप बता दीजिए क्या नाम है जर्मन प्लेयर। तो अलेक्जेंडर जेरेव। चले, हु हैज रिसेंटली वोन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। यस बेहतरीन क्वेश्चन, ऑनलाइन हुआ था तो जगह का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 48वां राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है, इसमें कुल 122 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था जिसमें 16 देशों की हिस्सेदारी थी। तो बताइए कौन मित्रों। ई पिनयन बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। हु हैज क्लिंच द 2020 यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। 2020 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, बताइए। जापान की है ये, अब जापान की है तो आपको वैसे ही पता चल गया। इन्होंने तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता 2018 में, यूएस ओपन 2019 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फिर 2020 में फिर यूएस ओपन जीत लिया। नोआमी ओसाका, ओसाका। चल, विच टेनिस प्लेयर वोन द 9th मेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, है ना, 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीत लिया, ये आपको बताना है। इसमें हम बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं, एक बार देख ही लो बहुत सारी चीजें, ये आपको थोड़ी सी समझ विकसित हो जाएगी। देखो चार ओपन टूर्नामेंट होते ही हमने बताया थे, पहला होता है फ्रेंच, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, फिर विंबलडन और फिर यूएस। तो ये दो हो चुके हैं, तीनम भी हो चुका, अभी विंबलडन वाला चौथा बचा हुआ है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब कब किसने किसने कौन सा जीता। तो ये है ऑस्ट्रेलियन का, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। वुमेन्स किसने, नाओमी ओसाका जापान ने। मेंस डबल्स किसने जीता, इवान डिगोंग कोरसिया और फिलिप पालसक, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। वुमेन्स डबल्स किसने जीता, एलिस मर्टस्टन ने और आर्याना सबकेलिया ने। मिक्स किसने जीता, राजीव राम, लग रहा है इंडिया से है लेकिन है यूएसए से, बारबोरा किचकोवा क्रेच से। फिर इन्होंने डिफीट किसको किया ये देख लेना है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है तो हम आपको सिखाए थे, हार्ड कोर्ट पे होता है। विंबलडन कहाँ होता है, ग्रास पे होता है। फ्रेंच कहाँ पे होता है, क्ले पे होता है। यूएस ओपन कहाँ पे होता है तो हमने कहा था हार्ड कोर्ट पे होता है। रैंकिंग में इस समय एटीपी में पहले नंबर पे कौन चल रहा है, नोवाक जोकोविच चल रहे हैं। और फीमेल में कौन सा चल रहा है, एलिस बैटरी चल रहे हैं। ये कहाँ से, पार्टी ऑस्ट्रेलिया से। नोवाक जोकोविच कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ पर एक भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ मैं पढ़ाता हूँ आप देखते होंगे, मैं बाकी टीचर किस तरीके से नहीं क्वेश्चन दे दिया और फिर वीडियो देखो तो आंसर मिले, मतलब वो उलझाने फुलझाने वाला काम नहीं है। आप नहीं किसी वजह से क्लास देख पाए कोई बात नहीं, आपके पास क्वेश्चन आंसर पूरा है विथ एक्सप्लेनेशन, हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा डिटेल मैटर हम आपको। ये आपका यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, ये यूएस ओपन हो गया। अब इसमें देख लीजिए कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, बर्बोरा कुजकिविया, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, मिक्स कौन सा, सिंगल कौन सा, डबल कौन सा, ये एक इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये पढ़ना ही होगा। यदि आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, आप अपने आपको धोखा दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप रट लेंगे। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स टाइटल रिसेंटली, बताओ। अभी हमने दिखाया था आपको किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तभी हमने सीखा था नाओमा ओसाका, नाओमी ओसाका जापानीज। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वोन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको क्लू देते हैं, ये हमारे चेस प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो क्या नाम है इनका,
2020 का, 2021 का तो अभी मिला नहीं। कौन साथियों, कोनेरू हम्पी बोल रहे हैं क्या? यदि हाँ तो ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, कल वाले हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और मैं थॉट सोच रहा हूँ, यदि मान लो मैं आपको इनके यूट्यूब चैनल पे आकर के सुबह आपको एक मिनट बता दूं कि आज हमने स्टैटिक जीके में ये टॉपिक पढ़ के आना है और उसी पे मैं शाम को स्टैटिक के वो एमसीक्यू करवा दें तो कैसा रहेगा? मान लो हमने दो मिनट, एक सेकंड में, 30 सेकंड के वीडियो में बता दिया कि साथियों आज हम ये टॉपिक, तीन टॉपिक स्टैटिक करेंगे, आप वो तीनों टॉपिक पढ़ के और उसके हमने महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन करवा दिए जिस दिन करंट नहीं है। करंट रहेगा तो एक दिन पहले बता देंगे भाई आज इस दिन के इस टॉपिक का करंट कर रहे हैं, आप पढ़ के आइएगा। तो वो इफेक्टिव रहेगा क्या यदि आप बोलें तो? हम ये मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं कई बार महसूस करता हूँ कि ऐसा हो जाता है कि वन वे हो जाता है, मैं बताता हूँ आप लिखते हैं, कितना मजा आया कि आप पढ़ के आए और फिर हम क्वेश्चन करें, और या पहले से आपको पता हो कि सर ने टारगेट दिया तो आज मुझे ये करना, जैसे हम गुरुकुल में करते हैं कि टारगेट देते हैं बच्चे को करना होता है, जैसे भी आज क्यों लेट हो गए, सच बता देते हैं, सैटरडे टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट मतलब समझो मतलब कुछ बच्चे बचते हैं छिपते हैं तो सबको पकड़ के ला करके बैठाना होता है ना, वैसे तो 99% आ ही जाते हैं लेकिन 1% को तो उसमें टाइम लग गया, तो कितना मजा हो कि आपको पूरे दिन का टारगेट मिल जाए कि आप आज ये पढ़िए और शाम को उसका टेस्ट हो जाए, डिस्कशन हो जाए, तो ये आप बोलेंगे तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। चलें कह रहे हैं आप टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे सबको नहीं देख पाते ना, एक सामने से आके बोल देते हैं तो बेहतर होता है। कार्लिना मैरिन हु वोन द सिंगल वुमेन्स टाइटल एट द थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इज फ्रॉम विच कंट्री? कल हम सभी मिलेंगे रात को एक बार 8 बजे, आपके साथ एक इंटरव्यू सेशन भी कर रहे हैं इस साल के टॉपर्स के साथ, मजा आएगा। स्टैटिक जीके का टॉपिक 40 टॉपिक 10-10 क्वेश्चन होने से भी फायदा होगा, ये भी ठीक रहेगा। चल बताइए क्या नाम है इनका? स्विट्जरलैंड, जापान, स्पेन, थाईलैंड, किस देश से? जल्दी कार्लिना मैरिसन किस देश से साथियों? दिस इज फ्रॉम स्पेन। विच स्टेट टू प्ले होस्ट द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? देखो ये खेलो इंडिया वाले जितने स्कीम होते हैं लगभग एग्जाम का क्वेश्चन बन ही जाता है। आप जानते हैं कि ये बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये भी पूछ लिया किस यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर हुआ, कहाँ? तो हमारा कहाँ का? कर्नाटक, कर्नाटक के बेंगलुरु में जैन यूनिवर्सिटी में, जैन यूनिवर्सिटी। चल विच स्टेट यू टू प्ले होस्ट टू द खेलो इंडिया विनर गेम 2021 विंटर वाला है ना, वो तो नॉर्मल है ये विंटर, बताओ तो विंटर कहाँ पे होगा? दिल्ली में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन एक चीख के कर रहा है कि विंटर कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में, यदि आपका ये जवाब है तो सही है। चले विच इंडियन स्टार रेसलर वोन द गोल्ड मेडल एट द यूक्रेन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट? बताइए, विनाश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता कुमारी, गीता फोगाट, किसे? इंडियन स्टार रेसलर को जिसने गोल्ड मेडल जीता यूक्रेन रेसलर और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब क्या होता है हमेशा? विनेश फोगाट। नहीं, चल विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द इंडियन वुमेन्स लीग IWL? कौन सा स्टेट होस्ट करेगा बताइए? टॉप डिवीजन वुमेन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है ये, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, इस बार कहाँ पे होने वाला है? कहाँ पे साथियों? उड़ीसा। लास्ट सेशन में कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? 12 टीमों ने पार्टिसिपेट कर लिया था, शुरुआत 6 से हुआ था, तब दिल्ली में हुआ था पहली बार। हु इज द फर्स्ट प्लेयर इन द लास्ट 52 ईयर टू विन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम
ट्वाइस, है ना, पिछले 52 सालों में एकमात्र प्लेयर जिसने दो दो बार चारों ग्रैंड स्लैम जीतने में सफलता प्राप्त कर ली। बताइए, बेहतरीन प्लेयर जिसे कहते हैं। नोवाक जोकोविक, सर्बिया। विच चेस प्लेयर हैज वोन द गर्लफ्रेंड चैलेंज 2021? अब ये तो नहीं कर पाओ तो कोई फायदा नहीं, अभी बताया था इसको, क्या नाम था जल्दी बताओ। डी गुकेश, विच कंट्री वोन द इनोग्रल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? अभी बताया था ये किसने, न्यूजीलैंड ने किसको डिफीट करके, इंडिया को। हु वोन द गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन चेस टाइटल 2021? ये भी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कौन हो सकता है। क्लू देते हैं आपको हम, क्लू क्या दें, चलो ये तो ऐसे बता दो, चलो क्लू है कि अमेरिका के हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। बताइए जल्दी से क्या नाम है, जल्दी। व्लादिमीर एर्नेव्यू, मैंगुस कार्लसन, डिंग लेरेन, लेवन अरोनियन। बताइए क्या नाम दे रहे हैं, लेवन दे रहे हैं क्या, लेवन दे रहे हैं तो ठीक है, इसके अलावा कुछ भी दे रहे हैं तो गलत है। चलिए, ये हमारे कुछ थियरी वाले थे, अब हमने कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दे दिए, क्योंकि बिना इसके बात बनेगी नहीं। जैसे आईसीसी अवार्ड ऑफ डिकेड, आईसीसी अवार्ड 10 की अवार्ड किसको दिया है, तो आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड टू डिकेड किसको दिया गया है, एमएस धोनी इंडिया को। ग्रैंड फिल सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, दशक का मेल क्रिकेटर किसको, विराट कोहली, इंपॉर्टेंट है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसको, विराट कोहली। T20 मेन क्रिकेट राशिद खान, अफगानिस्तान को। T20 मेंस टेस्ट क्रिकेट और डिकेट स्टीव स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया को। मेंस एसोसिएटेड क्रिकेट ऑफ द डिकेट केल कुर्जर को, स्कॉटलैंड को। तो क्या ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, जवाब है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। वुमेन वाला पूछ ले, फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेट एलसी पैरी को, ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी वुमेन्स, ये भी एलसी पैरी को, ऑस्ट्रेलिया को। T20 में भी इन्हीं को मिला, तो तीनों का इन्हीं को मिल गया, वहां पर दो में तो विराट कोहली को मिल गया मेल वाले में, और ओडीआई वाले में, T20 वाले में राशिद खान को। इनको इनके साथ थोड़ी बहुत कीर्थन बैरसी को भी मिल गया, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हमने आपको टेबल में दे दिया था, और यहाँ पे वन लाइनर में, तो ये आपको याद करके रखना है कि नोकाप जोकोविच ने मावदेव को हराया था, नाओमी ओसाका ने जेनिफर को हरा दिया था। मेन्स डबल में इवान डोडिंग ऑफ क्रोएशिया और फिलिप पोलेस्क ने किसको, राजीव राम और जोई सिल्फर को हरा दिया था, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। स्विस ओपन, ये भी हमने बता दिया था टेबल के रूप में, उसी का लाइनर वन लाइनर फॉर्म में। इंडियन सुपर लीग सीजन, मुंबई सिटी, गोल्डन बॉल अवार्ड, ये सारा का सारा आपको याद रखना होगा। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको देगा, एटीके मोहन बगान को, सर्वश्रेष्ठ का गोल्डन बॉल अवार्ड। मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बगान को हरा करके पहला आईसीएल खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी तरीके से इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर लले मांगविया को मिल गया। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, इगोर अंगुलो को मिल गया। गोल्डन ग्लब अवार्ड किसको मिल गया साथियों, तो अरविंदम भट्टाचार्य को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हैं वो सारे के सारे मैंने बता दिए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 मेन सिंगल ली जिंग जिया, वुमेन सिंगल नाजोमी ओकुरवा जापान की हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। ये हम आपको मैटर अभी अवेलेबल करवा देंगे। 2021 का सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, रेसलिंग चैंपियनशिप में आपने देखा था कि इंडिया को थर्ड पोजीशन मिला था, जिसमें 14 मेडल थे, जिसमें 5 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, अभी जस्ट कुछ दिन पहले। इन सभी का नाम भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ से हमने क्वेश्चन भी दिखाया था, तो ये आपको याद रखना होगा। सिल्वर मेडल किसको किसको, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। 2021
वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिल गया? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल को, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड नोमी ओसाका को, टीम ऑफ द ईयर अवार्ड बेयर मुनिज को। तो ये आपको साथियों याद करना ही होगा। मैरी कॉम मेन्स हॉकी क्रू कीपर, बोथ थीम ऑफ द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो विच इज शेड्यूल टू द 23 जुलाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैरी कॉम और मेन्स हॉकी क्रू कीपर मनप्रीत सिंह, ये दो लोग लीड कर रहे होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेसर बजरंग पुलिया विद द फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी, क्या एग्जाम में नहीं आता है? खूब आता है। ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन लोग हैं? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन? बजरंग पुनिया को उपलब्धि मिल गया। और 2016 को ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा थे फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में। टॉप पैरा हाई जंपर मरियप्पन वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द टोक्यो ओलंपिक एट द क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसको किसको क्या मिला? मैरी कॉम को लॉस्ट 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इनके द्वारा। हाईलाइट्स क्या क्या है यह आपने एक बार पढ़ लेना है। यह हम आपको बस दिखा रहे हैं कि इस तरीके का आपको मैटर दे दिए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, द खेलो इंडिया 2021 प्रोग्राम नेशनल योजना शेड्यूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया लॉन्च इन 2018, 2018 में इसकी शुरुआत की गई। द खेलो इंडिया गेम 2021 इज शेड्यूल इन हरियाणा। 3 नए गेम शामिल किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गटका, थांगटा और मलखंबा। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से 3 गेम खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किए जा रहे हैं। गटका क्या है, किस तरीके से, किस राज्य का गेम है? पंजाब का है। थांगला किस राज्य का है? मणिपुर का है। मलखंब किस राज्य का है? महाराष्ट्र है क्या? मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखने होंगे। तो हमने पूरे जितने पॉसिबल आपको स्पोर्ट्स का था वो सारा का सारा हमने करा दिया है, थियरी वाइज, एमसीक्यू वाइज। जानबूझ के थोड़ा सा फास्ट कराए थे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको फायदा हो रहा होगा। और जरूरत होगी तो और करा देंगे, और बोलेंगे तो और करा देंगे। हम खुद चाह रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन से हम नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको जुलाई में पूरा आपसे टाइम मांग रहे हैं। 31 जुलाई तक आपके साथ बेहतरीन मेहनत करना है मुझे, और धीरे धीरे मेरे सारे कंटेंट अब तैयार हो चुके हैं। अब ऑन डिमांड आप जो टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक हम स्टैटिक में, एमसीक्यू के रूप में, थ्योरी के रूप में। मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट का, 10 स्टेट का या 8 स्टेट का एक साथ आपका करा दूँ कल। यदि टाइम लग गया तो कल करा दूंगा, और कल आपसे हम मिल रहे हैं रात को 8 बजे, एक अपने टॉपर विद्यार्थी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जहाँ पर आपको मज़ा आएगा और आप देखेंगे कि इतने विरोध के बावजूद इतने विवाद कट रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ये हो गया, नॉर्मलाइजेशन में वो हो गया, फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको देख करके अच्छा लगेगा कि हाँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है। विरोध करना, मैंने कल भी कहा था, आसान है किसी का भी, किसी भी सिस्टम का, लेकिन उससे जो पॉजिटिव चीज़ें हमें मिले वो हमें सीखने की ज़रूरत है। तो कल हम लोग एक सरप्राइजिंग मुलाकात कर रहे हैं आपको साथ, कुछ एक टॉपर के साथ, और उम्मीद करेंगे कि वो सेशन आपके लिए इफेक्टिव होगा, आपको फ़ायदा होगा। आपके कोई डाउट, कोई क्वारीज होंगे टॉपर से, तो आप पहले मुझे टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे टेक्स्ट कर देंगे, वो सारे क्वेश्चन हम उठाए कर रखेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न का भी करा दीजिए, कल का सीन बताओ क्या होगा, कल सरप्राइज रखेंगे। चलिए, खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, माँ बाप के सपने को साकार करिए। मैं एज अ बड़े भाई, एज अ टीचर, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकता है उतना करूँगा। और कुछ भी इधर उधर का बर्थ कार्ड टैलेंट दिखाने के लिए ये नहीं कि थांगला का इतिहास उठा लिया, गटका का इतिहास उठा लिया और ये वो, ऐसा कुछ नहीं। काम भर का कि थांगला किस राज्य से, गटका किस राज्य से, क्या है, कैसे, इस पर भी हमने डिटेल दे दिया है, लेकिन हम आपको उतना ही बताएंगे जितनी ज़रूरत होगी। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आप मेरे कोड SURE60 का यूज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, इसको आप यूज करके 10% ऑफ ले सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल SURE60 फॉलो कर सकते हैं। इसमें SURE60 में स्पेस है, SURE अलग है, 60 अलग है, इसमें स्पेस नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।